आप कपड़ा सिलने लगा? ये कोई ऐसा वैसा कोट नहीं है, बल्कि सुपर टक्सीडो है, जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं। ओह, फिर तो ये मेरे जैसे किसी पावरफुल इंसान के पास ही होना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने मेयर, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है, ताकि आप पे कोई हमला करे तो आप इसकी मदद से उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। पर मेयर अंकल के साइज के हिसाब से ये कुछ छोटा नहीं है। इस टक्सीडो की एक खास बात ये भी है कि ये किसी को भी फिट हो जाता है। वैसे मुझे तो कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इतने प्यार से टक्सीडो बनाया है, इसलिए पहन लेता हूँ। वरना एक बार तो मैंने बिना किसी हथियार के ही एलियंस को मार मार के कचूमर बना दिया था। सच में मेयर अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर अखरोटों की बारिश होने लगी। हाँ। पक्का झूठ ही बोला था, लेकिन चलो इनके झूठ से मेरा कुछ फायदा तो हुआ। खुराना अंकल, इस टक्सीडो में ये बटन्स क्यों लगे हुए हैं? गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। इनसे डिफरेंट पावर्स एक्टिवेट होती हैं, जैसे ये जे, जे यानी जंप। इसके दबाते ही इंसान जंप करने लग जाता है। से भी बहुत ऊपर, सुपर डुपर ऊपर। बॉस, वो देखो चवन्नी। नहीं, अठन्नी। कहा? हट जाओ, साइड हो जाओ। मस्ती का अड्डा है, टोनी बॉस ने बनाया गड्ढा है। टोनी का बुक्का, बुक्का। वाओ खुराना अंकल, इस टक्सीडो में तो कमाल की ताकत है। अभी बस देखते जाओ, ये रहा आर बटन यानी रन। इसे दबाते ही टक्सीडो पहना हुआ इंसान बिजली की तेजी से दौड़ता है। चाहे तो रोक के देख लो। वाह, क्या मस्त सफर बन के सभी हम सफर बिजली भी सलाम मारेगी, जब पूछे मुझसे अगर। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि इस बुलेट ट्रेन जैसी राइड में बड़ा मजा आया, एक और हो जाए। और एक? नहीं। बॉस, आज आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, मेरी मानो तो खिसक लो।
इस टक्सीडो की आखिरी पावर दिखाने के लिए मेयर जी आपको ये पी यानी पंच वाला बटन दबाते ही उस सामने वाले खंबे पर एक पंच मारना है। ठहरो, मेरे होते हुए कोई और पंच का डेमो कैसे दे सकता है? टोनी बॉस, रहने दो। आज पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है आपकी, अपनी इज्जत का कचरा और क्यों करवाओगे? अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, टोनी पहले तुम एक पंच मारो, उसके बाद मेयर जी पंच मारेंगे, पता चल जाएगा कि किसका पंच ज्यादा पावरफुल है। ए, 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 टक्सीडो तो बहुत बढ़िया और पावरफुल है खुराना अंकल, मगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो सब बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तभी तो ये टक्सीडो मैंने सन सिटी के सबसे समझदार इंसान को दिया है। क्यों? टोनी बॉस, आपका मुक्का तो हुड़ हुड़ हुक्का की बजाय फुस 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 का हो गया है। आपको कुछ करना होगा, वरना मुक्केबाजी की जगह आपको गोटियां खेलनी पड़ेंगी। गोटियां? गोटियां नहीं, बल्कि अब देखो मैं कौन सा खेल खेलूंगा। टक्सीडो अलमारी से निकल के कैसे भाग गया? इसके पैर भी है क्या? सही किया बॉस, जो इस टक्सीडो को चुरा लिया। अब इसे कहीं छुपा दो ताकि आपका मुक्का ही सन सिटी का सबसे पावरफुल मुक्का रहे। ए वकूफो, ये छुपाने वाली चीज नहीं बल्कि पहनने वाली चीज है। अब देखो टोनी के मुक्के का हुड़ हुड़ हुक्का। अब बस देखते जाओ, इस टक्सीडो की मदद से मैं सन सिटी पे कैसे राज करता हूँ। अब इस सन सिटी में बस मेरा राज होगा, बस मेरा राज। डॉक्टर खुराना, आपके टक्सीडो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ पैर भी है, ये क्यों नहीं बताया आप? वो मेरी अलमारी तोड़ के भाग गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। ईश, इसका मतलब वो टक्सीडो किसी ने चोरी कर लिया है। मम्मी, अगर वो कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो? चलिए डॉक्टर खुराना, हमें उस टक्सीडो को ढूंढना पड़ेगा। चलिए। ये आपके लिए। ओ थैंक यू टोनी बेटा, बट ये कैंडी हम इस बच्चे को सेल कर दिया ना टिकरा? नहीं, ये आप ही रखिए और घर जाइए, क्योंकि आज के बाद कैंडीज बिकेंगी नहीं बल्कि बटेंगी। व्हाट नॉनसेंस, तुम ऐसा कैसा बात करता है? नॉनसेंस इसे नहीं बल्कि इसे कहते हैं। This boy is doing mess. Help! Help! Somebody help me, no, please. Sensitive, kids. अब
अब इस सिटी पे टोनी का राज है और टोनी के राज में तुम्हें टॉयज और कैंडीज खरीदने की जरूरत नहीं बल्कि फ्री में मिलेंगी। ये मेयर अंकल का टक्सीडो टोनी के पास कैसे आया? वन वर्ड में कहूँ तो चोरी। कैंडीज खाना बच्चों के लिए राइट है, पर यू चोरी की कैंडीज खाना रॉन्ग है। आज से टोनी बॉस हमारा नेता है जो कैंडीज और टॉयज फ्री में हमको देता है। चुप हो जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। ये चोरी की चीजें लेना रॉन्ग है, ऐसा मत करो। किको! प्लीज टोनी, तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है, प्लीज ऐसा मत करो। और वो टक्सीडो उतार के मेयर अंकल को वापस कर दो। और अगर वापस नहीं किया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे पास भी तो ये R7 गैजेट है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि इसे निकाल दो। क्योंकि मैं R7 की मदद से लोगों का नुकसान नहीं करता। तो मैं भी कहा किसी का नुकसान कर रहा हूँ? ये कैंडीज और टॉयज बांट के मैं तो बस बच्चों का फायदा ही कर रहा हूँ। पर यूं लूट की चीजें बांटना रॉन्ग है टोनी। पर मुझे तो लगता है कि ये राइट है। एक काम करते हैं, एक रेस लगाते हैं, जो जीता उसी की बात राइट मानी जाएगी। नहीं, मैं तुमसे रेस नहीं लगाना चाहता। प्लीज मेरी बात मानो। और सब मानूंगा, तुम अगर जीत गए तो। बोलो, है हिम्मत मुझसे रेस लगाने की या मेरे टक्सीडो के सामने किको की टाए टाए फिश हो गई? ठीक है, मंजूर है। बोलो कैसी रेस लगानी है? ये हुई ना बात, रेस शुरू होगी यहाँ से और खत्म होगी सन सिटी के बाहर, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके टॉप पे। जो वहाँ पहले पहुँचा वो जीत जाएगा। मंजूर है, पर अगर तुम हार गए तो चुपचाप ये टक्सीडो निकाल के मेयर अंकल को वापस कर देना। पहले हरा के तो दिखाओ। और सुनो, इस रेस में एक रूल है कि कोई भी रूल नहीं है। इसमें जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। एयो किको, आया बड़ी सुपर स्पीडो, करने आया परेशानी दूर, क्या तुम ठीक हो? बताओ मस्ती करनी है या दुश्मनों से कुश्ती? लॉन्ग ड्राइव पे चलना है या करनी किसकी छुट्टी? यही रॉन्ग से है कटी, राइट से है बत्ती, हाउ कैन आई हेल्प यू? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। सुपर स्पीडो, टोनी ने मेयर अंकल का एक पावरफुल टक्सीडो चुरा लिया है और अब उसी की मदद से वो तबाही मचा रहा है। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। डोंट वरी ब्रो, अब मैं आ गया हूँ तो हम दोनों मिलके टोनी क्या उसकी पोनी को भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। वो रहा टोनी। सुपर स्पीडो जल्दी चलो। तुम कहो तो रॉकेट फायर करो। नहीं सुपर स्पीडो, उससे टोनी को चोट लग सकती है, हमें बस उससे वो टक्सीडो लेना है। बड़ी हो गए तैयार की को स्पीडो, मत कर ऐसी हरकत टोनी, हो जाएगी हालत टोनी। तो सुपर स्पीडो भी आ गया, अभी मजा चखाता हूँ। स्पीडो है सुपर सूट, भारी पड़ेगी तुझको लूट, ये है सर से चीकी शान, बात हमारी प्यार से मान, गलत किया है तूने काम, होगा इसका बुरा अंजाम, समझाते हैं कि स्पीडो कर दे वापस ये टक्सीडो।
मेरी जंप बड़ी पावरफुल है, मेरी सिस्टम डैमेज होने लगे हैं। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 41 लगाओ। ओके कीको, अभी अपनी मैग्नेटिक रेस से ड्रेनेज का ढक्कन खोल देता हूँ। भूकंप का झटका। अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। कुछ करो किको, मैं ज्यादा देर तक टोनी के बार झेल नहीं सकता। रिवर्स। हमें जल्दी ऊपर पहुंचना होगा। बॉस, अगली बार केक शॉप भी लूटना और उसके बाद समोसे की दुकान भी। बेवकूफो, छोड़ो मुझे वरना किको रेस जीत जाएगा। संभालो खुद को। स्टेबिलिटी कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। टोनी की पंच की वजह से सारे फंक्शंस हिल गए हैं। सब कुछ रिबूट करना पड़ेगा। एक बार तुम्हारा सिस्टम रिबूट हो जाए फिर चल के खुराना अंकल से पूछते हैं कि टक्सीडो पहने टोनी को कैसे रोका जाए। टोनी बॉस, अब बाकी की खेल कूद मस्ती स्कूल के बाद। हाँ, अब चलो, स्कूल का टाइम हो गया है। टोनी के राज में नो स्कूल, ओनली फुल टाइम मजा मस्ती। अब से किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आज मैं स्कूल को तोड़ के वहाँ पे मैदान बना दूंगा और फिर हम सब वहाँ दिन भर खेलेंगे। नो पढ़ाई, ओनली प्ले। टोनी तो तबाही मचा रहा है, पर खुराना अंकल, उस टक्सीडो की पावर को रोकने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है ना, उस टक्सीडो को टोनी की बॉडी से उतार दो ताकि वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। वाह, क्या आइडिया दिया है। किको, जल्दी चलो, वो टोनी हमारा स्कूल तोड़ने जा रहा है। जाओ टोनी, तुमने कैंडी शॉप और टॉय शॉप लूटी, वो तो रॉन्ग था ही, लेकिन अब तुम स्कूल को भी तोड़ रहे हो, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग है। हाँ कर रहा हूँ, कौन रोकेगा मुझे, तुम या तुम्हारा ये डिब्बा जिसे तुम सुपर कार कहते हो। शांत हो जाओ सुपर स्पीडो, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले हमें टोनी को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा ताकि वो स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचा सके। बड़ी, फॉर्मूला नंबर 60 लगाओ। ओके बड़ी, अभी मैग्नेटिक ग्लव्स से टोनी के दोनों हाथ आपस में चिपका देता हूँ ताकि इसके मुक्कों से आजादी मिल सके। सुपर स्पीडो, जल्दी जंगल की ओर चलो। किको, जमीन से बार बार इतनी जोर से टकराने से मेरा सिस्टम फिर से हैंग होने लगा है। इस बार अगर मेरा कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ तो रिबूट होने में देर लगेगी। सुपर स्पीडो, रस्सी को काटो और जंगल की ओर चलो।
याद रहे कीको, अगर मुझे एक भी पंच लगा तो मेरा पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। कीको, सुपर स्पीडो, डरपोक कहीं के, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। डरपोक हम नहीं तुम हो, मुकाबला करना है तो सामने मैदान में आओ। याद रहे कीको, इस बार अगर मेरा कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ तो रिबूट होने में देर लगेगी। डोंट वरी सुपर स्पीडो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस सही वक्त पे फॉर्मूला नंबर 134 लगाना मत भूलना। देखना कैसे एक ही मुक्के से दोनों को चकना चूर कर दूंगा। खराना अंकल, मेरे ख्याल से आपको इस टक्सीडो को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कहीं ये किसी गलत हाथों में लग गया तो तबाही मच सकती है। Exactly. मैंने भी यही पॉइंट प्रूफ करने के लिए ही इसे चुराया था।